दोस्तों नमस्कार, मेरठिया ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। अभी हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हैं। मेरठ में एक नई रेलवे लाइन बन रही है जो मालगाड़ियों के लिए रहेगी। ओके, इसे शायद से हाँ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। और ये मुंबई से और महाराष्ट्र होते हुए मेरठ को कनेक्ट करेगी। ये देखिए, ये सामने अभी ये भूड़बड़ाल एरिया है उस गांव के आसपास। यहाँ पे दिल्ली मेरठ हाईवे भी है सामने, जहाँ पर आपको मेरठ रैपिड रेल का काम दिख रहा होगा, पिलर विलर बन रहे हैं। और ये सामने इसका स्ट्रक्चर है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। देख लीजिए, नज़ारा काफ़ी शानदार है। बाहर का भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी। दोस्तों देखिए, पिलर इससे ऊँचे इसलिए बनाए गए हैं ताकि इससे रैपिड रेल निकल सके ऊपर से, और यहाँ से नॉर्मल मालगाड़ी निकल सके। देख लीजिए है ना, बाहर अभी आप देख रहे हैं नीचे कितना शानदार स्ट्रक्चर है ये। देख लीजिए, हाईवे का नज़ारा शानदार है। और ये ऊपर से ट्रेन निकलेगी इस स्ट्रक्चर के अंदर। अगर बीचों बीच ले जाके आपको दिखाऊँ इसका नज़ारा, तो कयामत से कम नहीं रहेगा, देखने लायक रहेगा। ये सामने दिल्ली मेरठ हाईवे, दिल्ली की तरफ जाता हुआ मेरठ से, देख रहे हैं ना नज़ारा कितना ज़्यादा शानदार है। और आगे दोस्तों इधर की साइड से मैं आपको दिखाऊं, ये मेरठ की साइड से, तो भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए सामने से मेरठ से दिल्ली की ओर जाते हुए वाहन, और सामने खेत हैं। वीडियो का नज़ारा काफ़ी शानदार रहेगा है ना, देख लीजिए आप। दिल्ली मेरठ हाईवे थोड़ा सा छोटा हो गया अभी, क्योंकि एक काम चल रहा है इसका रैपिड का। जब ये टिन वॉल हट जाएंगी तो देखिए पिलर की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है, और रोड भी चौड़ी हो जाएगी, हाईवे चौड़ा हो जाएगा। ये NH 58 कहते हैं इसको, नेशनल हाईवे 58। देखिए दोस्तों वीडियो, इस बार कुछ थोड़ा सा नया दिखाने के लिए आपको नया प्रोजेक्ट दिखाया आपको। तो ये प्रोजेक्ट है मेरठ में भी, ट्रैफिक आता हुआ सामने से, चारों तरफ ग्रीन एरिया, वैसे तो इतना पॉल्यूशन नहीं होने वाला है इस रोड पर है ना, क्योंकि हाईवे है ये। देख लीजिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे, जल्दी जल्दी मुलाकात हो रही है वीडियो से, जल्दी जल्दी अपडेट मिल रहे हैं। अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए।